सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं गाइस ट्रिगर्ड इंसान का फ्री हैंड पोर्ट्रेट। हाँ जी बिल्कुल, फ्री हैंड हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं और फ्री हैंड में बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, काफी सिंपल से। और भी काफी सारे तरीके होते हैं फ्री हैंड के जिससे हम आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल फ्री हैंड बताऊंगा और बिल्कुल रियल टाइम रहेगा वीडियो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आउटलाइन समझ आए। और गाइस इसका जो ग्रिड वाला, अगर आपको नीड होगा कि आपको ग्रिड में ड्रॉ करना है, तो मैं उसका भी आउटलाइन ट्यूटोरियल बना दूंगा और वो हम लाइव करेंगे। सो गाइस चलिए अभी तो हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्री हैंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं A4 साइज का पेपर यूज़ कर रहा हूँ और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ सकुरा का। आपके पास जो भी मैकेनिकल पेंसिल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बस उस पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प कर लेना ताकि आपको फाइन लाइन मिल सके। देन आपको फ़ोन इस तरीके से साइड में रखना है ताकि प्रॉपर आपको पूरा फेस दिख पाए। और गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले ओवर आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओवर आउटलाइन मतलब आपको यहाँ पर हल्के हल्के से ड्रॉ करना है कि हेयर कहाँ पर आएगा, जो आई है, फेस का कट किस तरीके से पेपर पे आएगा, इस तरीके से आपको हल्के से ड्रॉ कर लेना। इससे ऐसा होगा कि जो आप पेपर पर कंपोज करना चाहेंगे जो आउटलाइन, वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कंपोज होगा, ना कि ऐसा होगा कि पेपर पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया जो फेस है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया या फिर ज़्यादा छोटा हो गया, इस तरीके से नहीं होगा अगर आप इस तरीके का ओवर आउटलाइन बना लेंगे। सो आपको पहले इस तरीके से हल्के से ओवर आउटलाइन बना लेना है ताकि आपको पता चल सके कि फेस, मतलब फेस है वो पेपर पर किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, देखिए फेस कितना टिल्ट है वो आपको चेक करना है और एक इस तरीके से लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। मैं बिल्कुल लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इससे भी ज़्यादा लाइट ड्रॉ करना है, इतना कि सिर्फ आपको ही नज़र आए। सो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा ये जो आईब्रो है। सो आईब्रो को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और जो हम ओवर आउटलाइन बनाए उसको बेस मान के इसके ऊपर वर्क करना है। और ज़रूरी नहीं कि ओवर आउटलाइन है तो हम सेम उसी पर उसी को फॉलो करें, आपको उसको बेस मानकर उसके ऊपर ड्रॉ करते जाना है। सो गाइस देखिए हमने ये आईब्रो ड्रॉ कर लिया, आईब्रो के नीचे जो चश्मा है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आपको डिस्टेंस देखना है कि आईब्रो और चश्मे का जो डिस्टेंस कितना है वो देखकर यहाँ पे खुद से अंदाज़ा लगाकर आपको वो फिर चश्मे का फ्रेम है वो ड्रॉ करते जाना है। जैसे जब भी हम फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले एक बेस बनाते हैं, जैसे आईब्रो हमारा बेस बन गया। उसके बाद हम आईब्रो के बेस से कौन सा की चीज़ कितने डिस्टेंस पर है वो चेक कर करके यहाँ पर हम उस बाकी आउटलाइन को भी तैयार करते जाएंगे। देखिए गाइस जब भी आप फ्री हैंड ड्रॉ करो तो आपको सबसे मेन चीज़ आपको फोकस करना है कि जो भी शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको प्रॉपर ड्रॉ करने आना चाहिए, उसका शेप है प्रॉपर ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर प्रॉपर बने, हल्का सा कर्व है तो कर्व बने, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से फ्रेम बनाया और फेस किस तरीके से आएगा वो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इमेजिन करना होगा कि कहाँ पर किस तरीके से आएगा। अब देखिए राइट साइड का जो चश्मे का फ्रेम है वो बन गया, अब उसको बेस मानकर हम यहाँ लेफ्ट साइड को भी ड्रॉ करेंगे। और मैं यहाँ पे हल्का सा फास्ट किया हूँ ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा बोर ना लगे और आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आए, इसलिए मैंने हल्का सा फास्ट रखा है। बाकी ये भी इससे देखकर आप काफ़ी अच्छे तरीके से आउटलाइन बना पाएंगे। आप मेरे आउटलाइन को फॉलो कीजिए कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, कितने डिस्टेंस से बना रहा हूँ, वो सब चीज़ आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी सेम ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं जो सेकेंड साइड है, दूसरा साइड है, वहाँ पर भी मैं फ्रेम किस तरीके से बना रहा हूँ। और गाइज जब भी आप फ्री हैंड आउटलाइन बनाओ तो इरेजर साथ रखो ताकि कोई भी आपको मिस्टेक लगे तो आपको वहाँ पे तुरंत इरेज करके सही कर लेना। और जब भी आप इरेज करो तो इरेज करने से पहले आपको पहले सही आउटलाइन, जो सही लाइन जाएगा उसको ड्रॉ करना है। सही आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे उसके बाद जो गलत वाला आउटलाइन है उसको इरेज करना है, ना कि पहले से इरेज करके किया जाए। पहले सही ड्रॉ करो उसके बाद गलत वाले आउटलाइन को इरेज करो। सो गाइस देखिए इस तरीके से हमने जो चश्मे का फ्रेम है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद चश्मे के ऊपर जो आईब्रो है उसको बेस मानकर, मतलब चश्मे को फ्रेम को बेस मानकर यहाँ पर हम आईब्रो को भी ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरीके का टेक्निक होता है गाइस कि एक को बेस मानकर हम दूसरे को जज कर पाए कि कौन सा कितने डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ और इससे ऑलमोस्ट आप परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो रेगुलर ड्रॉ होगा। सो देखिए गाइस अभी हमने कुछ इतना ड्रॉ कर लिया, अब देखिए चश्मे के अंदर हम आई ड्रॉ करेंगे। तो ये काफ़ी बहुत इजी है क्योंकि जिस तरीके से हम एक बॉक्स के अंदर हम आई ड्रॉ करते थे, एक बॉक्स को मेजरमेंट करके यहाँ पर आई आएगा वो चीज़ ड्रॉ करते थे, सेम ग्रिड में जिस तरीके से ड्रॉ करते थे कि इस बॉक्स के अंदर आई आएगा, सेम उस तरीके से यहाँ पर आपको चश्मे का फ्रेम है ना
उसको देखकर आपको ड्रॉ करना है कि यहाँ पर हमारा आई आएगा, चश्मे का फ्रेम हमारा एक बॉक्स हो गया, उसके अंदर हमारा आई कहाँ पे आएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से भी काफ़ी कुछ चीज़ मेजरमेंट किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ अभी समझ में आया होगा कि चश्मे के अंदर का है वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और गाइज, आपको अगर फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे डार्क पोर्शन रहता है, जहाँ पे शेड रहता है, वहाँ पे आप हल्के हल्के से शेड कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आ पाए कि हमारा जो आउटलाइन है वो सही जा रहा है या नहीं। गाइज, फर्स्ट आई को जिस तरीके से हमने मेज़रमेंट किया था, एक बॉक्स को मेज़रमेंट करते हैं उस तरीके से, सेम जो राइट आई है उसको भी हमें सेम उसी तरीके से ही इजिली ड्रॉ कर लेना। और जब भी आप फ्री हैंड आउटलाइन बनाओ गाइज, बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना और बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना, ताकि कुछ मिस्टेक हो तो आप डायरेक्ट इरेज करो इजिली और उसको सही कर पाओ। अगर आप डार्क ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली आपको इरेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल लाइटली ही यूज़ करना, और जब तक आउटलाइन कम्प्लीट पूरा नहीं हो पाता तब तक आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा आउटलाइन सही जा रहा है या नहीं, और इस तरीके से फ्री हैंड में चेक करना पड़ता है बार बार। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे नोज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों फ्रेम का आपको बेस मिल गया, दोनों फ्रेम है जो आई का मतलब चश्मे का, उसके सेंटर पे हमारा जो नोज आएगा, लेकिन नोज एग्जैक्ट सीधा नहीं है क्योंकि फेस थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है। तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, आपको देखना है कि चश्मे से और कितना बाहर निकला है जो नोज का शेप है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हल्के से आपको ड्रॉ करना है। आप पहले लाइट ड्रॉ कीजिए, फिर आपको जब लगे थोड़ा कि हाँ परफेक्ट है तब उसको आप हल्के से और डार्क कर लीजिए, ताकि आउटलाइन है वो प्रॉपर आपको नज़र आए। तो देखिए इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे शेड होना चाहिए तो आप हल्के से बिल्कुल शेड कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि आपका जो आउटलाइन है वो सही जा रहा है या नहीं। बाकी कुछ चीज़ ऐसा होता है गाइस कि वो कंप्लीट शेड होने पर परफेक्ट लगता है, ऐसे देखने पर लगता है कि जो ज़्यादा बड़ा हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। जो जब शेड होता है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि यहाँ पे और इस तरीके से आउटलाइन परफेक्ट हो सकता है। तो शेडिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर होता है फ्रेंड्स, कि हम अपने आउटलाइन को वहाँ पर भी हम परफेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। देखिए गाइस, अभी मैं हेयर वाले पोर्शन को यहाँ पर स्ट्रोक लगाते हुए हल्के हल्के से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते जाना है गाइस। और आई होप गाइज कि आपको ये ट्यूटोरियल अभी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। और गाइज, मैंने इसे ऑलमोस्ट रियल टाइम रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ पाए। और सबसे जो फ्री हैंड आउटलाइन का सबसे जो हार्ड पार्ट रहता है, जो कि मुझे लगता है, और वो होता है जो फेस का स्ट्रक्चर है, जो फेस का शेप है, वो प्रॉपर कई बार ड्रॉ नहीं हो पाता। तो ये चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरीके का आएगा। उसके लिए मैं और इजी तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से मेज़रमेंट करना है, और अभी तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पर मैं नोज से डिस्टेंस थोड़ा चेक करके लिप्स का एग्जैक्ट पॉइंट ले आया कि कहाँ तक लिप्स आएगा, और ये लिप्स कहाँ तक जाएगा वो चीज़ आपको कैसे चेक करना है मैं और किसी ट्यूटोरियल में भी बताऊँगा अच्छी तरीके से। बस आपको देखना रहता है कि जो लिप्स का एंड है उसके जस्ट ऊपर क्या आ रहा है, वो चीज़ मेज़रमेंट करके, जैसे यहाँ पे यहाँ से नीचे लाइन नीचे जाया जाए तो एग्जैक्ट कहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है लिप्स, यहाँ पे एंड हो रहा है तो वहाँ तक आपको एंड करना है। तो इस तरीके से भी मेज़रमेंट किया जाता है। मैं लाइव स्ट्रीम पे और आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए आपको लिप्स का अपर लिप्स का यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है, शेप ड्रॉ करना आना चाहिए फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से शेप ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद टीथ के लिए हम जितना स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद लोअर लिप्स यहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आप फ्री हैंड ड्रॉ करो तो आपको ज़्यादा फोकस करना है जो आपका रेफरेंस फोटो है, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। जितने अच्छे से आप रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि कहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है, उतने अच्छे से यहाँ पे आप पेपर पर कंपोज कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप रेफरेंस फोटो को भी उतना अच्छे से ड्रॉ करो। और गाइज, मैं लाइव पोर्ट्रेट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उस पर भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा। मैं उसको और थोड़ा लर्न कर रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से सीख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि मैं अच्छे से सीख पाऊँगा
करूँगा तो डेफिनेटली मैं आपको और इजी तरीके से वहाँ पर समझा पाऊँगा, तो वो भी जल्दी आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आगे भी आपको और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। सो गाइस देखिए, अभी मैं जो हल्के हल्के से जो मूंछे नज़र आ रहे जो कि काफ़ी छोटे थोड़े हैं, वो वहाँ पर मैं हल्के हल्के से ड्रॉ कर लिया। अब फेस का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और गाइस फेस का स्ट्रक्चर अगर आपसे एक बार में आउटलाइन पर सही नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक लगा के उसे ड्रॉ कीजिए। कोई बुराई नहीं इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक लगा रहे हैं, आप जितने स्ट्रोक लगा सकते हैं बिल्कुल लगाइए, लेकिन आपको सही एग्जैक्ट आउटलाइन मिलना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो बियर्ड है, हल्का सा जो बियर्ड है मैं यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहा हूँ। और गाइस जब भी मैं ऐसे फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ तो सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं करता, मैं काफ़ी सारे लाइन बनाता हूँ और स्ट्रोक लगाते हुए इस तरीके से किसी भी फ्री हैंड आउटलाइन को उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, इससे ऐसा होता है कि अगर कुछ मिस्टेक भी होना रहता है तो वहीं पे पता चल जाता है कि यहाँ पर थोड़ा और लाइन होना चाहिए, ये लाइन और लंबी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पर पता चल जाता है। और गाइस यहाँ पे मेरा थोड़ा पेंसिल है जो मैकेनिकल पेंसिल, पता नहीं इसमें क्या इशू आ गया, लिड बाहर ही नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, तो पता नहीं इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये भी मेरा पेंसिल शायद ख़राब हो ही गया है क्योंकि ये अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा है। सो गाइज अभी यहाँ पे मैं बियर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जितना नज़र आ रहा है बियर्ड आप उतना ड्रॉ कीजिए। और मैं यहाँ पे अपने पेंसिल रख दिया और मैं दूसरा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ख़राब हो गया, पता नहीं ये कैसे ठीक हो गया, तो इसको फिर हम मैं दूसरा पेंसिल ले लिया हूँ। इसके बाद देखिए जो हमारा फेस स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से बन जाए, उसके बाद जो बाकी का प्रोपोर्शन है वो काफ़ी इजी हो जाता है मेज़रमेंट करना। तो देखिए यहाँ पे माउथ के जस्ट पास में है, वहाँ पे हमारा उतने दूरी पर हमारा हेडफोन आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हेडफोन तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ कर लेंगे फ्री हैंड, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी चलता है, क्योंकि हम ये सब ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं करते, मेन होता है कि जो आपका फेस है वो प्रॉपर नज़र आए, हेडफोन तो हेडफोन की तरह दिखेगा ही। सो ये काफ़ी सिंपल सा है, आपको अपना शेप मेंटेन करना है कि कहाँ पे किस तरीके का है और इजीली ड्रॉ करते जाना है। तो ये थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और ये ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा भी ना हो। और यकीन मानिए गाइस, जितना आप ग्रिड मेथड से ड्रॉ करोगे उससे ज़्यादा मज़ा आपको फ्री हैंड आउटलाइन में आने वाला है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आपका फ्री हैंड आउटलाइन इंप्रूव होते जाएगा, डेफिनेटली आपको इसमें मज़ा आने वाला है। तो आपको फ्री हैंड आउटलाइन का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है, भले आपको उसको शेड करो या ना करो, हल्के हल्के से शेड करो, लेकिन आप आउटलाइन का प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना। आप अलग अलग पोर्ट्रेट ट्राई करना और एक रफ सा पेपर लेना, उसमें सिर्फ आउटलाइन का प्रैक्टिस करते रहना, मैकेनिकल पेंसिल उठाना, आराम से बैठ के आउटलाइन का प्रैक्टिस करना 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट, और डेली एक एक भी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको उसको कंप्लीट शेड करो, आप हल्के हल्के से रफ से शेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप शेड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ड्राइंग है डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो देखिए इस मैंने हेयर को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि फेस हमारा ड्रॉ होने के बाद तो ये सब चीज़ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बियर्ड यहाँ पे अच्छी तरीके से डार्क होगा तो ये प्रॉपर और अच्छी तरीके से नज़र आएगा। और गाइस फेस हमने ड्रॉ कर लिया, इतना अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो क्लॉथ वाला पोर्शन है आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे, ये काफ़ी इजी होता है, आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, और ये थोड़ा इधर उधर होता है तो भी चलता है। सो गाइस यहाँ पे मैं फास्ट कर लिया ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आए, और आप जितना स्ट्रोक लगा पाएँ उतना कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं जितना डिटेल हो पाएगा मैं कर रहा हूँ, और टी शर्ट को भी आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो इस तरीके से आपको ये पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है गाइस। आई होप गाइस आपको ये आउटलाइन वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना गाइस। और हाँ, इसका जो शेडिंग पार्ट वाला ट्यूटोरियल है वो हम बिल्कुल लाइव करेंगे। सो लाइव मैं आता हूँ 4:30 को, कम्युनिटी पे मैं इसका पोस्ट डाल दूंगा कि कब हम इसका लाइव वाला पार्ट करेंगे, तो आप लाइव जरूर ज्वाइन करना इसके शेडिंग पार्ट के लिए। सो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।